हमें पुतलियों में कैद करने वाला भद्रकाल, ये इसकी हालत किसने की? जिस भद्रकाल को काल भी नहीं छू सका, उसे कौन काल कालवित कर सकता है? कहीं है उसकी कोई माया तो नहीं? जिसके शरीर में जीवन भी नहीं बचा, वो क्या माया करेगा? देवी महामाया, हमें बंधन में बांधने वाला, अपने जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भद्रकाल मर गया तो हमें हमारी मुक्ति का मार्ग कौन बताएगा? ये आप क्या कह रही हैं देवी? भद्रकाल ने तो हमसे हमारी शक्तियों को छीनकर हमें पत्थर की मूर्तियों में स्थापित कर दिया था। भले ही भद्रकाल ने हमें अपने बंधन में बांध लिया था, किंतु ब्रह्मदेव से मिले श्राप से हमारी मुक्ति का मार्ग भी केवल यही बता सकता है। देवियों, हमने सोचा था कि हमारे सारे संकट दूर होने वाले, परंतु हम तो पहले से भी बड़े संकट में घिर चुके। अब तो हमारी मुक्ति की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी है। देवी महामाया, आपके कारण ही हमारी ये दुर्दशा हुई है। अब हमारी मुक्ति के मार्ग भी आप ही को ढूंढना होगा। हमें भयभीत करने के स्थान पर हमें मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, और वह है भद्रकाल को पुनर्जीवित करने का, क्योंकि एक भद्रकाल ही है जो हमें इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति दिला सकता है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? यदि भद्रकाल दोबारा जीवित हुआ तो हमें उन्हें पत्थर की प्रतिमाओं में स्थापित कर देगा। भद्रकाल को दोबारा जीवित करना हमारे लिए और भी ज्यादा घातक हो सकता है। देवियों, मैं आप सभी की चिंता समझती हूँ, किंतु भद्रकाल के द्वारा छीनी गई हमारी सारी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। यदि भद्रकाल जीवित भी हुआ तो वह हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। उसके जीवित होने से केवल हमें लाभ होगा, उसे नहीं। देवियों, भद्रकाल को दोबारा जीवित करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।